वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, जो बच्चे MBBS कर लेते हैं, भले वो इंडिया से करें या अब्रॉड से करें, स्पेशली अब्रॉड से करें, तो FMG का जो एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं अब तो इंडिया वाले बच्चों के लिए भी कंपल्सरी है, पर 80% बच्चे ये क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रीजंस डिस्कस करेंगे। सो हाय, माय नेम इज आशी खान एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट कबरी, एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल सर, जो आपके ये सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि यार मैं एलिजिबल नहीं हूं इसका जवाब देने के लिए। तो वी आर द राइट पर्सन विद मी। तो FMG, विच इज बेसिकली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो इसका फुल फॉर्म है, अभी ये चेंज भी कर दिया गया है, तो हम वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर। ओके आरसी मैम, आपने जो बोला ना 80%, ये तो बहुत कम है। 95% बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे है ना, 95% बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उनको आज मैं डॉक्टर राहुल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है एब्रॉड एडिक्शन। मतलब जब बच्चा, देखिए जो बच्चा नीट में 200 से 400 मार्क्स के बीच है, वो बच्चा अब्रॉड गया, पहली बात। दूसरा, ये जो बच्चा है उसकी एज हार्डली 18 टू 20 ईयर के आसपास है। भाई उसने एक ड्रॉप लिया, 17 में उसका कंप्लीट हुआ, 18 में एक ड्रॉप, 19 में एक ड्रॉप, देन 20। मतलब जो एज ग्रुप है अब्रॉड जाने का वो 17 ईयर से लेके 21 ईयर तक का है 99% केसेस में। तो ये बच्चे जैसे ही एब्रॉड जाते हैं, और एब्रॉड में आपको पता है कल्चर क्या है, वहाँ पर इनके पास पैसे रहते हैं, क्योंकि माँ बाप पैसे इसलिए भेजते हैं कि भाई बच्चा एब्रॉड जा रहा है, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो वो वहाँ पर जो स्मोकिंग है, जो बियर पीना, एल्कोहल का एडिक्शन है, ये सारी एल्कोहल और सिगरेट ये सब वहाँ पर काफ़ी सस्ते हैं, इसी का फायदा। और दूसरा, घर से दूर, नया एनवायरनमेंट, इन सब के चलते कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। और जब उनको ये एडिक्शन हो जाता है स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, तो कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, और उनकी स्टडीज इफेक्ट करती है, इफेक्ट होती है। और यही रीज़न है कि वो अब्रॉड में 5 साल रहते हैं लेकिन उतना आउटपुट अपनी स्टडी पर नहीं देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है FMG क्लियर ना होने का। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो रीज़न है, जो सेकंड रीज़न है, वो है लेस क्लिनिकल एक्सपोजर। ये क्या होता है एक्चुअली में आरसी मैम, हम जिस भी कंट्री में काम करने जा रहे हैं, वहाँ कंट्री की पॉपुलेशन इंडिया के कंपेयर में तो बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो जितनी हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन है MP की, उतनी तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है। तो होता क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, सीट MBBS की ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। यहाँ पर अगर आप MBBS करते हैं तो इंटेंसिव में अप्रोक्सीमेट OPD में 500 से 600 की OPD होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर यही बात आप फॉरेन में जाके करेंगे तो हार्डली OPD रह जाएगी 5 से 10 पेशेंट की। तो आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब इसी में एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा हमारे चैनल पे जो आपको और वीडियोस मिलती हैं, आप देखते होंगे इंडिया में कम से कम हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, बट कितनों को जॉब मिलती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो है वो थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और जब प्रैक्टिकल करने की बारी होती है तो हमारा दिमाग में से वो कुछ बचता ही नहीं है, राइट, क्योंकि हम वो शिवानी पढ़ पढ़ के तो पास हुए हैं, राइट। वही सेम चीज़ कि अगर आप MBBS बनना चाह मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जिसको आप स्किप आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको मरीजों का इलाज करना है, भले वो दवा से हो या फिर सर्जरी से हो इन फ्यूचर। और इसमें प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट्स से यार आप सर्जरी कर रहे हो और आपने कई बार केसेस सुने भी होंगे कि एक इधर का उधर हुआ तो यार इंसान की तो जिंदगी चली गई। एंड उस केस में यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, कंट्री का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप MBBS अब्रॉड प्लान कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि ये गलत है, ये मतलब उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यार ये जो एग्जाम है ये इंडिया के बच्चे भी देंगे, अब्रॉड के भी बच्चे देंगे, बट इट इज अबाउट कि यार मेरे हिसाब से क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए यार अगर कोई भी सवाल है, नीचे नंबर है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको आप फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। देखिए अर्जुन मैम, ये वीडियो हम केवल इसलिए बना रहे हैं कि रीजन क्या है FMG ना निकलने के। आप अच्छे स्टूडेंट हो, बस इस रीजन से बचना है, 100% FMG निकलेगा। मतलब अब्रॉड में स्टडी करना कोई बेकार नहीं है, बस
निकलता क्यों नहीं है उसके पीछे का रीजन हम लोग बात कर रहे हैं। तो दो रीजंस की हमने बात कर ली, एक तो एडिक्शन रहता है, दूसरा कहीं ना कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर कम है। अब यहीं पर मैडम आप बात कर सकते हैं या स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब क्लिनिकल एक्सपोजर कम है तो फिर हम क्यों जाएं, एक माइंड में आता है। तो देखिए यार, पहली बात तो ये है कि आपको इंडिया में ऑप्शन नहीं मिल रहा कि भाई आपके मार्क्स इतने नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपके पास फीस इतनी नहीं है कि यहाँ की प्राइवेट फीस को अफोर्ड कर रहे हैं, तो आप जा रहे हैं अच्छी बात है, और इस पार्ट को भी आप कंपनसेट कर सकते हैं। आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करें, दिल लगाकर पढ़ाई करें, उसके बाद एक साल आके इंटर्नशिप इंडिया में करें। ज़्यादातर कंट्री में ऐसा ही होता है, एक साल की इंटर्नशिप इंडिया में की जाती है, उस समय आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, उस एक साल में आप अच्छे से पढ़ाई करें तो FMGV 100% निकल जाएगा। लेकिन आपके पढ़ने की आदत छूट चुकी होती है वहाँ 5-6 सालों में, इसलिए आप लोगों का फेल्यूर रेशियो ज़्यादा है। तो यार कहीं ना कहीं अगर आप भी एक MBBS अब्रॉड एस्पिरेंट हैं तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। इट इज अ मस्ट इन योर लिस्ट कि आप वहां जा रहे हो तो आपको पहले तो अपना मकसद नहीं भूलना है, राइट, कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो बन जाते हैं, राइट, बट अच्छा डॉक्टर बनना है। और दूसरा पढ़ाई और ऑब्वियसली ये सारी जो भी बुरी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा दिमाग हटा के अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे फोकस करना है, तो ही आप जो भी आपका ड्रीम है उसको कहीं ना कहीं पा सकते हैं। अच्छा, ये तो 2-3 बातें की हैं अभी तक हमने। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण जिसमें FMG आप लोग पास नहीं कर पा रहे वो है फॉरेन कंट्री में करप्शन का होना। फॉरेन कंट्री में अर्सी में होता क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। अगर मैं बात करूँ यूक्रेन की या फिलीपींस की, तो ये तो टॉप करप्टेड कंट्रीज़ में हैं। तो ये जो करप्शन है वहाँ पर क्या होता है, बच्चे को बोल दिया जाता है, स्पेशली यूक्रेन तो अच्छा खासा करप्शन में आता है, तो वहाँ पर बच्चों को क्या बोल दिया जाता है कि बच्चे फेल हुए तो कुछ टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं वो उनसे कुछ डिमांड करते हैं पैसे की, और कहीं ना कहीं उनकी अटेंडेंस को मैनेज कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनको सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं। तो ये आदत बच्चों को पड़ जाती है। भाई बच्चे पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है तो बच्चे पे पैसा काफ़ी होता है, तो ये प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे को एक आदत पड़ जाती है कि भाई मेरे पास तो पैसा है, मैं पैसा दूंगा यूनिवर्सिटीज़ में और मेरा अटेंडेंस सब्जेक्ट सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो ये भी आदत कहीं ना कहीं बच्चे को पढ़ने नहीं देती। अगर मैं सारी बात को कंक्लूड करूँ तो आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए FMG नहीं निकलता है। अब ना पढ़ने के कारण आपने सुना है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, राइट। हाँ, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस ही नहीं होते, वहाँ अब्रॉड की मस्ती में फोकस हो जाते हो, अपने माँ बाप के पैसे को बेकार लुटाने में फोकस हो जाते हो, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है तो ये मान लेते हो यार हम तो बाहर हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई सब कर सकते हो आप लोग, अगर करना चाहोगे तो आपको एक साल की इंटर्नशिप इंडिया में मिल रही है। मैं दावे की बात कह सकता हूं, जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है अगर ये 3-4 पॉइंटों को हटा दे और दम से मेहनत करना स्टार्ट कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको FMGE क्लियर करने से नहीं रोक सकती। तो ये था वीडियो रीजन जहां पे हमने डिस्कस किए कि यार अगर तुम MBBS अब्रॉड प्लान कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है तो ये क्या चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकती है या फिर जो तुम्हें रोक सकती हैं FMG को क्लियर करने के लिए। बाकी यार अगर कोई भी सवाल है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, व्हाट यू हैव टू डू, यार नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर एक नंबर भी है जहां पे आप कॉल करके अपने सारे सवाल एक के बाद एक पूछ सकते हैं। तो यार लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है स्टूडेंट खबरी के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।